हाँ तो भैया कैसे हैं आज? काफी टाइम के बाद में, मतलब बोले तो लगभग 3 या 4 दिन लग गए। आपके लिए तो कमी होंगे लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम था, क्योंकि क्या था कि कुछ लोग को शिकायत थी कि भैया आपके वीडियोस हिलते बहुत हैं। तो उसके लिए करेंगे क्या, गिम्बल यूज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने मन बनाया कि अपना फोन ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो अभी मैं यूज फोन कर रहा था वो कर रहा था ओप्पो F11 Pro। तो उसमें भैया वीडियो हिलती बहुत थी, तो मैंने क्या सोचा कि ये मैं मंगा लेता हूँ नया फोन, बिल्कुल से नया फोन, जिसका नाम है MI 10i। हाँ, MI 10i। तो भैया करते हैं इसको हम खाली फाड़ा, ये देख। हाँ है, फोन है भैया इसके अंदर, है फोन ना, मैं दिखाता हूँ, देखो निकल जा बाबू, सही है। काला सा काला 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 फोन है भैया, और देखिएगा ये स्टिकर तो लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि फोन कंपनी में ही पैक हुआ है, बाहर किसी ने पैक नहीं किया है। तो इसको डाल देते हैं नीचे और इसको खोलते हैं। भैया बोले कैंची दे दें, कैंची नहीं है, इसे फाड़ देंगे इसको, देसी आदमी कैंची का करेंगे, फिर से ना चिपक जाए। ये देखिए, दिख तो गजब कर रहा है बाहर से, अंदर से कैसे वो तो अभी देखेंगे ना। बहुत सही, देखिए हाँ ये काम इनका भैया बड़ा बढ़िया रहता है कि ये हमको दे देते हैं ये व्हाइट वाला, कि बाहर से बिल्कुल फोन दिखे कि किस कंपनी का फोन है। जैसे एप्पल में देते हैं, एप्पल की यार बात कुछ दिन बाद उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे यार, लेकिन करेंगे जरूर, पक्का है। यहाँ पे होता है कटा हुआ, मतलब बोले तो फिर तो इसमें एप्पल दिखता है फिर। खैर उसकी बात छोड़ो, ये इसके साथ में एक यूजर मैनुअल दिया है, बहुत छोटा सा, धीरे धीरे बहुत छोटा करता, पहले इतना मोटा सा देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या कर दिया ना, पहले भी 2-3 पेज का देते थे, जो बोले तो 4-6 पेज का देते थे, अभी भैया सिंगल पेज में देते हैं और बहुत छोटा छोटा, कि अगर चश्मा लगाओ तो सही से पढ़ में आएगा। खैर इसको अलग रखते हैं, इसको रख देते हैं इधर। हाँ हाँ ये पड़े हैं अंदर, ये निकल के आया भैया, देखिए अच्छा लग रहा है ना, पास से दिखाएं, ये देखिए यार सही दिखा, गुड। अब हम इसको फाड़ते हैं, गजब। हाँ तो गजब, कलर भी भैया बहुत नंबर एक, कलर बहुत नंबर एक भाई, और साइनिंग इतनी अच्छी है कि इसमें अपना थोड़ा देख सकते हो भाई। तो ये बड़ा गजब का भाई फोन है, अभी तो दिख तो बहुत सही रहा है, और देख लेते हैं इसके अंदर है क्या। ये कुछ नहीं है, वाह। चार्जर मतलब टाइप सी तो रहेगा, जाहिर सी बात है अगर 25,000 के करीब में लगाया है तो टाइप सी अगर ना हो तो बेकार है भाई, तो मतलब ये टाइप सी दिया हुआ है। अब देखो भाई, ओप्पो की तरह इसमें वूक चार्जर तो नहीं है, लेकिन हाँ ये सोनिक चार्जर देते हैं MI वाले, गजब का। एक बार लगाओ ना तो बिल्कुल स्पीड दिखती है कि कितना जल्दी चार्ज हो रहा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो है इसको एक बार ऑन करके दिखा देते हैं ना, कैसे ऑन करते हैं, ये देखिए। इसके बगल में इसमें फिंगरप्रिंट पीछे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है राइट साइड में, आप आसानी से इसे अनलॉक और लॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम बटन भी उसके जस्ट ऊपर दिया हुआ, वॉल्यूम बटन, और इधर सिम ट्रे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। और हाँ हम इसका बस केवल एक चीज ये टेस्ट करना चाहते थे कि इसमें जो 108 मेगापिक्सल कैमरा देखते हैं कैसा चलता है, कैसे होता है वो देखते हैं। उसकी स्नैप्स मैं आपको इसमें दिखा दूंगा कि उसकी स्नैप्स कैसे हैं। मेमोरी कार्ड है और हाँ हाइब्रिड सिम स्लॉट है, मतलब डेडिकेटेड नहीं है, दो सिम लगा लो या एक मेमोरी कार्ड लगा लो और एक सिम लगा लो। हालांकि मुझे एक ही सिम की ज़रूरत है तो आई थिंक मेरे लिए यही बेहतर रहेगा, और सिम ऐसे भी मुझे इसमें नहीं लगाना है क्योंकि इससे तो केवल वीडियो रिकॉर्ड करना है, और जब वीडियो रिकॉर्ड करना होगा तभी मैं इसको लेके निकलूंगा, बाकी इसको रख दूंगा चुपचाप से। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो बनेगी डायरेक्ट MI 10i, समझ गए ना, MI 10i से बनेगी, और आपके लिए उसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं
जो मैं आपको शायद नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, पीछे चार कैमरा लगा है, ये भी देख लो भैया। अगर अगर ये फोन अगर आपको चाहिए होगा, ये फोन मतलब ऑसम है भाई, क्योंकि मैं बहुत पहले वहाँ पे जॉब करता था, हमारे गुरु जी हैं जिनका नाम है श्री अर्श कपूर सर, तो वो क्या है कि उन्होंने मुझे इसका सजेशन दिया कि दीपक ये कैमरा ले लो, हालांकि क्योंकि उनका डिजिटल मार्केटिंग का मतलब काफी बड़ा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ मतलब हमने उनसे सजेशन लिया, उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये फोन अगर आप ले लोगे दीपक तो बहुत बेहतर रहेगा, हालांकि वीडियो मेकिंग के लिए और अदर कई चीजों के लिए बहुत बेहतर रहेगा, तो उन्होंने सजेशन दिया, मैंने ले लिया। तो ये अभी तक का तो ये बस इतना, और हाँ आप अगर अभी अभी आए हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो और दम लगा के बनानी है। तो ये था इसकी अनबॉक्सिंग, और देख लो कैमरा क्वालिटी भाई, मैं आपको ऐसा करके दिखा देता हूँ, देखो सही दिख रहा है ना, हाँ, और इसका फ्रंट भी चेक कर लेता हूँ, सही है, और ये फोटो मैं उसमें डाल दूंगा नीचे वीडियो में, आप देख लीजिएगा। सो बस इतना ही। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है और हम नैनीताल जाने वाले हैं, और उसकी वीडियो सात नहीं उसकी वीडियो में सात को क्यों बता रहा हूँ, 10 या 11 में आपके लिए उसकी वीडियो मैं डालूंगा, और उसमें बहुत सारी जगह मैं टहलूंगा और आपको भी घुमाऊंगा साथ में, तो ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।